ओमकार, यस आवाज आ रही है सर। आप लोगों को? ओके, हाँ आ रही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने रोलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट किया था, रिमेम्बर? यस और नो गाइस? ओके ओके, तो अभी सबसे पहले कुछ चीजों को जरा हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। इन दैट चैप्टर, इन रोटेशनल डायनामिक चैप्टर, ये भी गेट द थ्री काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? इन दैट चैप्टर वी हैविंग द थ्री काइनेटिक एनर्जी, मोहम्मद, विच वन? कौन कौन सी? कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जीज मिल चुकी है यहाँ पे? अभिषेक शुक्ला, अभिषेक, अभिनव सर, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड रोलिंग। राइट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी अ हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, and rolling kinetic energy is half mv square in bracket 1 plus k square upon r square. Achha, radius aur radius of gyration mein kya differences the? Bataya tha kya maine aap logo ko? What do you mean by the radius and radius of gyration? Kaise specify kare? सर, रेडियस कांस्टेंट होती है और गायरेशन कांस्टेंट नहीं होती। रेडियस ऑफ गायरेशन कांस्टेंट नहीं होता, वो स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कम हुआ तो रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हुआ तो रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा। ये क्वांटिटी लेने की जरूरत क्या थी? रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करने का जरूरत क्या था? क्यों इसकी नीड हुई हम लोगों को? रीजन बताया था मैंने, क्या मैंने इसका रीजन बताया था क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्राची, महालक्ष्मी, निकिता, ओमकार, मोहम्मद, अभिषेक, दीपक, anyone of you, why we need that radius of gyration? Bolo sir, to know the value of the actual radius which is there at a particular mass. Okay, point to theek hai, lekin iska impact kya ho raha tha? Distance ka impact moment of inertia pe pad raha tha, ki agar distance kam hoga तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी वर्क कर रहा था, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देर से वर्क कर रहा था। ये सुनो, मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का इंपैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पड़ रहा था, जिसलिए हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत पड़ी। मतलब कोई भी चीज रैंडमली नहीं यूज किया हुआ है, हर चीज का एक रीजन है जिसकी वजह से उन टॉपिक को पर्टिकुलर चैप्टर में रखा गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay. After that, guys, हमारे पास वेलोसिटी के इक्वेशंस थे। Remember, वेलोसिटी इक्वेशन क्या था? सर, रोलिंग मोशन वाला वेलोसिटी। रोलिंग मोशन वाला वेलोसिटी, राइट। क्या इक्वेशन मिला था रोलिंग वेलोसिटी का, क्योंकि आज इनको यूज करने वाले हैं वापस? सर, वेलोसिटी ऑफ रिंग इज अंडर रूट gh एंड स्फीयर इज अंडर रूट 10 gh अपॉन 7। पहले मोहम्मद, फर्स्ट लेट मी नो ओनली वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इट। Sir, under root 2gh 1 plus k square upon r square. Right. बाकी सब सिर्फ यहाँ पे सोने आए हैं,
अरे गधो, तुम लोग भी पढ़ रहे हो या नहीं? अच्छा इमा, निकिता, ओमकार, प्राची, महालक्ष्मी, बाकी सबको भी पढ़ते रहना है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है। गधो, तुम लोग क्या कटोरा लेके बैठोगे? अभिषेक, सर कहाँ गायब हो तुम लोग? सर मेरा लास्ट लेक्चर में नेटवर्क नहीं चल रहा था, मैंने सुना नहीं, यूट्यूब से सुनना पड़ेगा। ओके ओके, सुन लो, है ना लेक्चर वहाँ पे मेरा, एक बार देख लो, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रिंग, मोहम्मद, वेलोसिटी ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे रिप्लेस कर रहे थे? आर स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और रिंग की वेलोसिटी क्या मिली थी? अंडर रूट जी एच। सॉलिड सिलेंडर में के को किससे रिप्लेस किया था हम लोगों ने? R square upon 2। इक्वेशन क्या मिला था वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर? इक्वेशन क्या था? अंडर रूट 2 gh 1 plus r square by 2 upon r square। हाँ, मतलब फाइनल इक्वेशन क्या मिला था वेलोसिटी सिलेंडर का? अंडर रूट 4 gh upon 3। सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन किससे रिप्लेस हुआ था? सॉलिड सिलेंडर में रेडियस ऑफ गायरेशन किससे रिप्लेस हुआ था? 2/5 r square। याद रखना, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोगों ने पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्लेस किया था, ये सब एप्लीकेशन में मैं पूछने वाला हूँ, और आप लोग वहां पर चेक करोगे कि कैसे ये के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आया, कैसे सिलेंडर में के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, सिलेंडर के लिए के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 है, और सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 r² है। ये सारी चीजें आप लोगों को चेक करनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें थी? सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें थी? किसमें? स्फीयर। आफ्टर दैट सिलेंडर। आफ्टर दैट रिंग। तो अगर वेलोसिटी स्फीयर की ज्यादा है तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? स्फीयर का। अगर स्फीयर का ही ना, क्योंकि सेम फॉर्मेट तो है। यस सर। मतलब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? स्फीयर का, फिर सिलेंडर का, फिर रिंग का। यस और नो? यस सर। अब प्रूफ करना पड़ेगा इसे। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्रूफ। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। Find expression for acceleration of ring, comma solid cylinder and solid sphere. I repeat, find expression for acceleration of ring, solid cylinder and solid sphere rolling on an inclined plane without slipping. याद रखना, slipping है, not sleeping, समझे? It's slipping. लिखे सबने?
Again, here we made the one inclined plane and our object, which should be kept at the top of the road, where the uniform velocity should be a zero and it is having a height h. That is our height h. When it should be started to rolling in downward direction, so it reaches at the bottom and again it should be consumed its rest form. मतलब टॉप से लेके बॉटम तक इसने एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है, मतलब यहां से लेके यहां तक का. अब गाइस इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करने वाले हैं. दैट डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड विद द एस एंड हियर वी हैविंग अ इंक्लिनेशन दैट शुड बी अ थीटा. ऐसा डायग्राम पहले भी बना चुके हो, यस और नो? यस सर. तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट किए थे? वेलोसिटी. व्हेन द बॉडी व्हिच शुड बी स्टार्टेड टू रोलिंग डाउन, एट दैट टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. अब यहाँ पर क्या है? व्हेन द बॉडी व्हिच शुड बी स्टार्टेड टू मूविंग डाउन विदाउट स्लिपिंग इन इंक्लाइन प्लेन, सो एट दैट टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. सो डायग्राम विल रिमेन द सेम. ड्रॉ इट. डायग्राम बना लो सब लोग. Done, everyone? Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay, write down the first point. Consider a body of mass small m, keep it in a bracket. Consider a body of mass small m, keep it in a bracket, rolling on an inclined plane. Rolling on an inclined plane. Inclined plane from rest, let a be the acceleration produced. Let a be the acceleration produced in the body. Let a be the acceleration produced in the body rolling down the inclined plane. Rolling down the inclined plane. Rolling down the inclined plane. लिखे सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next point में लिखो. Velocity of a body rolling down. Velocity of a body rolling down the inclined plane is given by the inclined plane is given by
Okay. Let me know the velocity of rolling body. Under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. Under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. दैट इज अवर इक्वेशन नंबर वन, जिससे हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. राइट डाउन इक्वेशन नंबर वन. लिखे सर ये प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था आपने. यस लिखे सबने. यस सर डन. नेक्स्ट लाइन में लिखो एज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू जीरो. एज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू जीरो. यू मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हाँ एज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट U is equal to zero. लिखा सबने? Yes sir. Yes sir. Next line में लिखो using kinematic equation. Now stop writing everyone. V square is equal to U square plus 2AS. So if we use the uniform velocity over here, so it will become a v square is equal to 0 plus 2as. You need to find out the acceleration over here. Okay, so will remain only v square is equal to 2as. Agar acceleration dhundna hai to a is equal to v square upon 2s. That is our equation number 2. Now we'll substitute equation 1 in equation 2. So kya term milne wala hai yahan pe? A is equal to keep that 1 upon 2s as it is. Matlab isko side mein likh liya. Theek hai? Ab ye jo pura root mein hai, iska root hat jayega because we are having a v square over here. So our equation will become 2gh upon 1 plus k square upon r square. Let me know, समझ में आया या नहीं equation? Yes sir, समझ में आया. Yes sir, समझ गया. अब लिख लो, यहाँ तक पूरा लिख लो आप लोग. So done. Done everyone? Yes, sir. Okay. In that case, 2-2 will get cancelled. 2-2 get cancelled. So ab kya remaining hoga yahan pe? रिमेनिंग क्या होगा? ए इज इक्वल टू जी एच अपॉन एस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यस और नो? ये इक्वेशन रिमेन रहता है. ओके फ्रॉम द फिगर
फ्रॉम फिगर. अब गाइस जो फिगर है वहां से अगर मैं साइन एंगल ढूंढू तो क्या मिलेगा, ये हमारा फिगर है ठीक है, H upon S. ये H है और ये S है, ये हमारा साइन थीटा है. तो अगर मैं साइन थीटा यहाँ से फाइंड आउट करूं, साइन थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट टू द एंगल एच एंड रिमेनिंग साइड डिवाइड बाय द एडजेसेंट साइड, ये हमारा साइन एंगल मिल गया हमें. साइन एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4. विल सब्स्टिट्यूट दैट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, G into A is equal to keep that G up upon H as it is. एक और काम कर लेना गाइस, यहाँ से ना एक सेकंड, सेम फॉर्मेट होगा, आप लोग रफ नहीं करना. यहाँ से S फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों को. H upon sin theta. अब यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेम फॉर्मेट, we'll substitute equation 4 in equation 3. So yahan pe A is equal to GH upon, instead of S we'll substitute H upon sin theta in bracket 1 plus K square upon R square. Cancellation क्या होगा यहाँ पे? Sir, H and H will get cancelled and sin theta will go to the numerator. Yes. लिख लो पहले यहाँ तक. सब लोग लिख लो यहाँ तक. If you're done, then let me know, huh? Done, sir. Okay. Now, guys, H cancel hoga dono side se. Ek second. And guys, that sine theta which is moving in upward direction, so our equation will become A is equal to G sine theta upon 1 plus K square upon R square. Give it equation number 5 and let me know. Equation number 5 kaise aaya, samajh mein aaya ya nahi? क्लियर है सबको? ओके, लिख लो. हुआ सबका? Yes, sir. Okay.
अब गाइस यहाँ पे आगे पता है ना क्या काम करना है फॉर रिंग, k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन टू, और सॉलिड स्फीयर k स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव इंटू आर स्क्वायर। अब ढूंढ सकते हो? यस सर, यस सर, ढूंढ लो। अभिषेक, अभिषेक, यस सर, आप आपको आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, सबको ट्राई करना। वैसे अगर प्रीवियस वाला आप लेक्चर देख लोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि ऐसे फाइंड आउट करते हैं, k की जगह पे r स्क्वायर पुट करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा। ओके, यस सर। डांसर मिल गया सर तीनों का। ओके, लेट एवरीवन कंप्लीट, किसी को कुछ बोलना नहीं है। ओके, ओमकार, प्राची, महालक्ष्मी, मिला सबको? अभिषेक, अभिषेक एक भी मिला? नो सर। एक्सेलरेशन फॉर रिंग, के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर पुट करना था, जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दे बोथ गेट कैंसल, सो जी साइन थीटा दोनों कैंसल हो गए तो क्या मिलेगा, वन प्लस वन, इट मीन्स वन अपॉन टू
जी साइन थीटा, लेट मी नो कितने लोगों को ये मिला। यस सर। बराबर था सबका? ओके अभिषेक लिख लो फटाफट। अभिषेक समझ में आया कैसे करना है? यस सर समझ में आ रहा है। लिखो फटाफट। सर डन। ओके अब क्या करना है? फॉर सॉलिड सिलेंडर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फॉर सॉलिड सिलेंडर के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन टू, राइट। तो सेम फॉर्मेट रहेगा, खाली यहाँ पे टू नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो चुका है, इट्स फॉर सॉलिड सिलेंडर। नाउ अब यहाँ पे जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू, यस ओ नो? तो क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे? जी साइन थीटा टू वन जो टू प्लस वन थ्री अपॉन टू, तो टू ऊपर जाएगा, आवर इक्वेशन विल बिकम अ टू अपॉन थ्री जी साइन थीटा ये समझे आया सबका? ये टू अपॉन थ्री जी साइन थीटा मिला सबको? अभिषेक अभिषेक समझ में आया आपको? यस सर समझ में आया। लिख लो सर। डन। ओके इसके बाद सॉलिड स्फीयर का क्या था अभिषेक? सर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव आर स्क्वायर। ओके टू अपॉन फाइव आर स्क्वायर। ओके तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए है, तो यहां पर क्या करेंगे? सेम फॉर्मेट जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस टू अपॉन फाइव आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बचता क्या? टू अपॉन फाइव, फाइव वन जब फाइव प्लस टू सेवन, मतलब जी साइन थीटा अपॉन सेवन अपॉन फाइव। इसको रीअरेंज कर लेंगे, फाइव अपॉन सेवन जी साइन थीटा। मैच हुआ सबका? यस सर। ओके लिसन गाइस, इसको इक्वेशन नंबर एट दे दो और बाकी ऊपर के जो दो इक्वेशन है ना उनको सिक्स और सेवन दे दो। मतलब जो सॉलिड सिलेंडर में मिला है उसे सेवन और जो रिंग में मिला है उसे सिक्स। लिखे सबने? यस सर डन। ओके write down comparing equation number 6 7 and 8 comparing equation 6 7 and 8 sabse zyada acceleration kiska hai? Spear. Solid sphere samjhe? Ye yahan par prove ho gaya solid sphere after that solid cylinder after that ring
यस सर नो यस सर ये यहाँ पे प्रूव हो गया लिख लो ये लास्ट ये पता है ये जो लास्ट लाइन में दे रहा हूँ ना ये सब एमसीक्यूज हैं कि कौन किससे ग्रेटर है तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं और आपके रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होंगे समझे लिखे सबने यस सर आगे बढ़ जाए हाँ सर ओके रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था मोहम्मद सर हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये था यस सर अब रिंग का अगर आप रिंग यूज करोगे तो क्या रखना है रिंग की जगह पे इफ यू नीड टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग समझ में आ रहा है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग वी स्क्वायर के जगह में जीएच रखना यस सर किसकी जगह पे वी स्क्वायर के जगह में जीएच रखना v स्क्वायर की जगह पे gh क्यों यहाँ पे k स्क्वायर को रिप्लेस करना है महालक्ष्मी क्या बोल रहे हो सर रिंग पता है ना सर वेलोसिटी हाँ उसको भी यूज कर सकते हो gh लेकिन फिर k स्क्वायर का क्या करेंगे सर पहले k स्क्वायर कर दो सर फिर उसके बाद k स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे ढूंढेंगे मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है अगर आप वी स्क्वायर को रिप्लेस करके करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे सो फॉर रिंग के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर पता है ना आगे क्या करना है और सॉलिड सिलेंडर आप ढूंढ सकते हो सब लोग यस सर लेकिन हेडिंग क्या लिखोगे हेडिंग क्या लिखोगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड रिंग सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर कुछ रह गया है एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हां सर एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर इज दैट क्लियर यस सर
अभिषेक फाइंड आउट कर लोगे? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। ओके, हुआ अभिषेक? यस सर। ओके, रिंग का क्या मिला सर? हाफ एमबी स्क्वायर आर सर। सिलेंडर का है, पहले रिंग का बताओ। रिंग का एमबी स्क्वायर बिकॉज के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर पुट करेंगे। आर स्क्वायर गेट कैंसिल। 1+1 2 को बाहर लेके जाएंगे, 2/2 गेट कैंसिल, विल रिमेन ओनली एमबी स्क्वायर। So rolling kinetic energy of ring is mv square. सबका मैच हुआ? Yes sir. Okay. For solid cylinder, if we substitute instead of k square, r square upon 2, r square get cancelled, 2 ones are 2, +1 3/2, 2 को बाहर लेके जाएंगे, it means 3/4 mv square. Let me know everyone. 3/4 mv square. Yes, मिला या सर? अभिषेक आपको मिला? यस सर आया था 3/4 mv square. ओके, अब सॉलिड स्फीयर के लिए सेम काम करना है। k square की जगह पे 2/5 r square get cancel, तो 5 ones are 5, +2 7, 7/5, 5 को बाहर निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 7/10 mv square. यस सर मिला सबको? यस सर ओके। याद रखना गाइस, यहाँ पर ये सारे डेरिवेशन करने से आप लोगों को नीट और JEE में काफी सारे न्यूमेरिकल के आंसर बहुत डायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी रिंग स्फीयर और सिलेंडर का आप डायरेक्ट लिख पाओगे, वेलोसिटी ऑफ रिंग सिलेंडर स्फीयर का डायरेक्ट लिख पाओगे, एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख पाओगे। तो आपको मतलब कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आप लोग डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल? Yes sir. Okay. अब गाइस, इस चैप्टर में अभी आपको दो थ्योरम मिलने वाले हैं, एक है पैरेलल थ्योरम, पैरेलेक्स थ्योरम, और दूसरा है परपेंडिकुलर थ्योरम। तो नाम में से ही पता चलता है कि पैरेलल थ्योरम है, तो पैरेलल थ्योरम में क्या होना चाहिए? एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। और अगर परपेंडिकुलर है तो क्लियर बात है यहाँ पे कि जितनी भी एक्सिस होंगी वो सब एक दूसरे से क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो अभी गाइस, सबसे पहला जो हेडिंग है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। गिव द हेडिंग, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। याद रखना, एक्सिस मतलब प्लूरल फॉर्म, एक्सिस नहीं लिख देना, एक्सिस मतलब सिंगल, और इसके अंदर प्लूरल है, इट मीन्स मोर देन वन, इट इज मोर देन वन। समझे?
यस सर। ओके ठीक है, सब लोगों ने प्रूफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यस सर। अब ध्यान से समझना है, कुछ भी लिखना नहीं है आपको, पहले समझ लो अच्छी तरीके से कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट को किस तरीके से याद रखते हैं। ओके सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉडी ले ली, हियर वी टुक वन बॉडी। ओके इन दैट केस, अब गाइस यहाँ पे एक बॉडी ले लिया है, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वी हैविंग अ वन एक्सिस व्हिच शुड बी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। रिमेंबर इट कि एक एक्सिस को सेंटर से ही पास होना होगा। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर में अगर एक्सिस सेंटर से पास नहीं होगी तो बॉडी कपल जैसा बिहेव नहीं करेगा, और अगर बॉडी कपल नहीं होगा मतलब वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रीजन समझ में आया आप लोगों को, एक एक्सिस को कहां से पास करेंगे हम लोग, सेंटर से। कहां से पास कर रहे हैं हम लोग इसे, सेंटर से। सेंटर से। सो ये हमारी सेंटर एक्सिस हो गई है, ध्यान देना जरा, दैट इज आवर सेंटर एक्सिस। ओके अब गाइस पैरेलल थ्योरम चाहिए तो या तो इस साइड से आप एक्सिस ड्रॉ करोगे या तो इस साइड से, किसी भी एक साइड से आपको एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, यस और नो? अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहिए, पैरेलल चाहिए तो इसी सेंटर एक्सिस के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यस और नो? सर नहीं समझा सर। सिंपल, यस सर, पैरेलल के लिए उसको राइट लेफ्ट से लेना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन चैप्टर में अगर किसी भी बॉडी को आपको रोटेट कराना है एज अ कपल तो पहली एक्सिस तो सेंटर से ही पास होगी, यस और नो? और दूसरी एक्सिस अगर पैरेलल चाहिए तो दूसरी एक्सिस को उसके सामने से ही रखेंगे ना, यस सर। तो दूसरी एक्सिस को या तो यहाँ से या तो यहाँ से, किसी भी एक साइड से तो पास करेंगे ही, यस सर। ओके तो अब एक एक्सिस याद रखना, अभी सिर्फ डायग्राम बन रहा है, अभी स्टेटमेंट नहीं जनरेट हुआ, अभी मैं आपको खाली रीजन दे रहा हूँ कि क्यों एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ हुई है। तो हम लोग ने एक्सिस को यहाँ से पास कर दिया है, ठीक है? ये हमारी दूसरी एक्सिस है जो यहाँ के पॉइंट से पास हुई है। अब गाइस इसका स्टेटमेंट कैसे आपको याद रखना है, सबसे पहले वी हैविंग अ टू एक्सिस ओवर हियर। अब जो इसका स्टेटमेंट है वो याद रखना है आपको, तो जरा ध्यान से सुनना कि स्टेटमेंट किस तरीके से यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ओके सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, आई रिपीट एवरीवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस का मतलब समझ रहे हो, किसी भी एक एंड पॉइंट से। तो हम लोग इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, जैसे कि इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ओ और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने सी, मतलब सेंटर, समझे? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, तो यहाँ पे आई ओ लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे आई सी लिख देता हूँ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस आई ओ इज इक्वल टू, ये पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, पहली लाइन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो किसी भी एक्सिस से किसी भी पॉइंट से पास हुआ है, विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है दूसरे एक्सिस से जो पास हुई है बॉडी के सेंटर से। इतना क्लियर हुआ क्या सबको, यस और नो? मोहम्मद, अभिषेक सर एक बार रिपीट करना सर, थोड़ा आराम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ये समझ में आया? यस सर। इज इक्वल टू, इक्वल लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साइड का
इक्वल है दूसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो पास हो रहा है बॉडी के सेंटर से, समझे मोहम्मद? यस सर, समझा। बोलो अपने ओन वर्ड में, बोलो, जरूरी नहीं है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? यस सर। इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब ये बॉडी का जो पूरा मास है इसके अंदर क्या होगा, एड होगा, एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो देख रहे हो ना डिस्टेंस h, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया? आई रिपीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस व्हिच शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। That is a statement of parallel axis theorem. मतलब ये formula देख के आपको statement लिखना आना चाहिए। महालक्ष्मी, प्राची, महालक्ष्मी, प्राची, अभिषेक, हर्षदा, मोहम्मद, statement try कर सकते हो क्या? Guys, statement try कर सकते हो क्या? सर एक बार जस्ट रिपीट कर दो बस, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना, स्टेटमेंट देखो, हाँ स्टेटमेंट को ही समझना, मतलब इस पॉइंट को, ये जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूला को ही समझ लोगे इजिली, पूरा स्टेटमेंट याद हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is sum of the product of mass and square of the perpendicular distance between them. Yes sir, समझ गया। बोल सकते हो कोई आप में से? जरूरी नहीं है पूरा स्टेटमेंट ही बोलना है, मतलब formula wise ही आप लोगों को समझ के बोलना है। Sir, the inertia of a body about an axis, moment of inertia, remember it, the moment of inertia of a body about an axis is equal to the moment of inertia passing through the center of the mass of the body and the sum of the product of the mass and perpendicular distance between both the axes, square of the perpendicular distance sir. between them, them ka matlab dono axes ke beech ka, samjhe? Yes sir. Yes sir. Mahalakshmi try karoge? Yes sir. बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट है, मतलब आपको खाली समझना है स्टेटमेंट, ये समझ के लिखना है स्टेटमेंट, रट्टा नहीं मारने लग जाना, ठीक है? यस नो एवरीवन? यस यस सर। ओके, अभिषेक ट्राई कर सकते हो क्या? सर नहीं होगा। सर एक बार आप बताओ ना, फिर मैं बता सकता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, इट मींस IO, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। आई रिपीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी and it is sum of the product of mass and square of the perpendicular distance between them. Statement de do main, likho aap log statement likho, write down statement everyone. The moment of inertia of a body, statement likho sab log, the moment of inertia of a body about any axis, the moment of inertia of a body about any axis is equal to the
is equal to the sum of its moment of inertia, I repeat, the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis. Passing through its center of mass. And the product of its mass and the product of its mass and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes I repeat, the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Guys, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट हूबहू रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. समझ रहे हो आप लोग? एग्जाम में सिर्फ ये फॉर्मूला देख के जाना और इसी फॉर्मूला को देख के स्टेटमेंट लिख देना. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम. दैट्स इट. जरूरी नहीं है आप लोग स्टेटमेंट रट्टा मारो. मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया फिजिक्स में सारी चीजें समझी जाती है और अगर समझ के लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे. रट्टा मारोगे सिर्फ उसी टाइम के लिए याद रहेगा. समझे सब? यस सर. यस सर. ओके, अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रूफ. मतलब अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को क्या करेंगे? प्रूफ करने वाले हैं. ओके, ड्रॉ इट, डायग्राम बना लो. अब गाइज याद रखना है दैट स्मॉल डी एम का मतलब है स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास. मैंने पहले भी बताया आप लोगों को फिजिक्स में कोई भी टर्म डायरेक्टली टोटल टर्म में नहीं होता. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट इन अ स्मॉल टर्म
एट द टाइम विल डू द इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो डी एम है ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास है एंड विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी. कहाँ पे सिचुएटेड है ये? पॉइंट पी पे सिचुएटेड है. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, डायग्राम बना लो. Sir, done. Done, everyone? Yes, sir. अब गाइस जरा डायग्राम को समझ लो आप लोग. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है ऑफ मास कैपिटल एम रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर. मतलब जो हमारा मास है वो कहाँ पर है? पॉइंट ओ से रोटेट हो रहा है, विच इज शोन इन द फिगर. अब ये जो सी है, दैट सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी which is situated at the distance h. मतलब O से C का जो distance है, which is the h from the axis of rotation. अब guys, यहाँ पे हम लोग small element को consider करने वाले हैं, so we can write consider small element of mass dm of the body which is situated at point P. Simple. मतलब जो small element है वो कहाँ पर है? At point P. वहाँ से हम लोगों ने क्या किया? We'll join the OP and PC. दिख रहा है? मतलब स्मॉल एलिमेंट से हम लोगों ने किसको ज्वाइन किया है? ओपी को और पीसी को. यस ऑर नो? एंड विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन पीडी टू ओसी व्हेन इट प्रोड्यूस्ड. ओके, इसको अब जरा हम लोग एक एक पॉइंट वाइज लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए. राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास. राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट आफ्टर द डायग्राम. Consider a rigid body of mass capital M. Keep it in a bracket. Consider a rigid body of mass capital M rotating about an axis. Rotating about an axis passing through a point O. Passing through a point O. As shown in the figure. As shown in the figure. As shown in the figure. Likhe sir. Yes, sir. I repeat that point. Consider a rigid body of mass M rotating about an axis passing through point O as shown in the figure. Matlab jo मास है वो कहां पे रोटेट हो रहा है? पॉइंट ओ पे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट डिस्टेंस एच. Situated at distance h. Situated at distance h from the axis of rotation. मतलब O क्या था? Axis of rotation था. O से
सी के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज डिनोटेड विद द एच. लिखे यस सर. सेकंड पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर. ओके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम. कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम which is situated at point P, which is situated at point P, which is situated at point P. ठीक है सबने? Yes sir. Third point. Join PO and PC. दिख रहा है ना? Join PO and PC. Join PO and PC. Join PO and PC. PO and PC. And draw PD. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes sir. Draw PD. I repeat, join PO and PC and draw PD perpendicular to OC. मतलब यहां से जब ये एक्सिस में बनाऊंगा तो ये OC से perpendicular होगा. Perpendicular to OC when produced. Join PO and PC and draw PD perpendicular to OC when produced. समझे सब? Yes or no everyone? सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो एंड लेट मी नो कि कोई डाउट है क्या. पढ़ो एंड लेट मी नो कि कोई डाउट जनरेट हो रहा है क्या. मतलब यहाँ पे पॉइंट्स में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये पूरा ट्रायंगल कैसे बना है. मतलब पी पॉइंट ओ से कैसे कनेक्ट हुआ है, सी से कैसे कनेक्ट हुआ है, डी से कैसे कनेक्ट हुआ है, ये सारे टर्म्स वहां पे एक्सप्लेन किए गए हैं. सर इसमें पीडी तो ओडी के परपेंडिकुलर है ना? देखो ओसी क्या लिखा हुआ है वहां पे, ओसी एंड व्हेन इट प्रोड्यूस्ड, मतलब जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा. है परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको आगे कर दिए हैं. अब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था ना यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया है इस पॉइंट को थोड़ा सा और प्रोड्यूस किया है ताकि ये इसको जाके मिल जाए. महालक्ष्मी समझे या नहीं? यस सर. यस मतलब अगर यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक इस तरीके से पॉइंट था, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो जाहिर सी बात है बीच में गैप होता, तो इस गैप को हम लोग को कुछ ना कुछ तो हील करना होगा. तो इसलिए यहां पर एक और छोटी सी एक्सिस बना दी गई है. सॉरी एक छोटी सी एक्सिस बनाए हैं. कौन सी एक्स? मतलब उसको हम लोगों ने एक्स से डिनोट कर दिया है. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. समझ में आया यहां पे ये सारा टर्म? समझ में आया? हाँ सर. मोहम्मद अभिषेक? यस सर. यस सर. ओके तो अभी गाइस यहाँ पे अब
ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि सबसे पहले हम लोगों को स्मॉलर टर्म को डिराइव करना होगा. कौन से टर्म को? स्मॉलर टर्म को डिराइव करना होगा. ओके, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब एक बात याद रखना कि ये जो डी एम है और पॉइंट यहाँ पे ओ है, और डी एम कहाँ पे सिचुएटेड है? पी पे. तो ओ से लेके पी तक ये एक डिस्टेंस बिहेव कर रहा है. क्या बिहेव कर रहा है? ये डिस्टेंस बिहेव कर रहा है. ओके, सिमिलरली पी सी भी क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस. मतलब यहाँ पे दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस पॉइंट ओ के लिए है और एक डिस्टेंस पॉइंट सी के लिए है. पॉइंट ओ का डिस्टेंस क्या है? ओपी. और पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है? सीपी. समझे? यस सर. ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट ओ. तो पॉइंट ओ के लिए अगर स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूंगा, सो दैट विल बिकम आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. मतलब हम लोग टोटल के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो भी स्टेप होगा वो स्मॉलर स्टेप में ही होगा. मतलब ओपी स्क्वायर. ओपी स्क्वायर क्यों यूज किया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Product of mass and देखो I is equal to mr square. यही है ना हमारा स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो यही है. Yes, sir. तो यहाँ पे एज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पे क्या रखा है? ओपी. यस और नो? यस सर. और m की जगह पे क्या रखेंगे? मास है, तो मास की जगह पे विल यूज dm, क्योंकि स्मॉलर टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो टोटल टर्म में कन्वर्ट होगा. यस और नो? Yes, sir. So guys, here we get the equation number one. That is our equation number one. Samjhe sab? Yes, sir. Omkar, Abhishek. Yes, sir. Baki sabko bhi bhai bol diya karo. Jinka naam nahi bula raha hu, wo bhi kabhi bol diya karo. Isse samajh mein aaya hai, nahi aaya hai. Theek hai? अब गाइस सिमिलरली अगर मैं पॉइंट सी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा? आईसी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मोहम्मद? इंटीग्रेशन ऑफ सर, इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम. समझ में आ रहा है सीपी स्क्वायर डीएम क्या है? मतलब सीपी स्क्वायर डिस्टेंस की जगह पे वर्क कर रहा है और जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास है वो मास की जगह पे वर्क कर रहा है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो फॉर्मूलाज हम लोगों को मिल गए हैं, एक इक्वेशन नंबर वन और एक इक्वेशन नंबर. क्लियर है दोनों पॉइंट? यस सर. यस सर. सो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस. About the axis through O is given by. About the axis through O is given by. Is given by. Equation number one दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Write down. लिखा सर. लिखे. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस थ्रू सी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस थ्रू सी. दैट सी विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेंटर पॉइंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस थ्रू C लिखे. हाँ सर.
इक्वेशन वन इक्वेशन टू सबको समझ में आया? यस सर। ओके गाइस, ये डेरिवेशन कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स में अपने को डिटेल में ही बात करने हैं, तो थोड़ा बहुत पॉइंट और कर लेते हैं और उसके बाद विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर, इसके बाद टेस्ट है हम लोग का। यस सर, इसके बाद टेस्ट है सर, टेस्ट 3 बजे। यस सर, जो भी है, मतलब आज के लेक्चर में डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मतलब इसके सारे पॉइंट्स पे डिटेल में बात करना है कि मतलब कौन से फॉर्मूलास कहाँ से एग्जिस्ट हुए हैं, कहाँ से जनरेट हुए हैं। डायरेक्ट फटाफट लिखा दूंगा तो सब बाउंस हो जाएगा। ओके तो एक पॉइंट और कर लेते हैं, उसके बाद विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। चलेगा सबको? एक पॉइंट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ओके, अब गाइस यहाँ पे राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem in triangle OPD, using Pythagoras theorem in triangle OPD, दिख रहा है triangle OPD? Yes sir. Yes. Yes sir. Okay, so here we'll use the Pythagoras theorem. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? OP square is equal to PD square plus OD square. PD square. एक सेकेंड, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ओडी स्क्वायर देन पीडी स्क्वायर। ओके सो गाइस, ओडी को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? देखो ओडी के मिड में एक और पॉइंट है। ओसी प्लस सीडी होल स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay. अब ये जो ब्रैकेट में है यहाँ पे हम लोग a plus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Yes sir. तो क्या इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे? OC स्क्वायर प्लस 2OC into CD प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। समझे यहां तक सर? यस सर। यस सर। यस सर। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ये जो लास्ट इक्वेशन मिला है ना। Yes, sir. Done, everyone? Yes, sir. That is our equation number 3. Yes, sabne? Yes, sir. Okay, ab iske aage nahi badhte hain. Iske aage we'll do in next lecture. And let me know if you have any doubt in that derivation, either the previous derivations also. No sir, no doubt. Abhishek. Sir, no doubt till now. Next lecture, I'll ask sir. Okay. What about other? No doubt. बाकी सबको जो भी doubt है। सर एक बार practice करने के बाद ही बता सकते हैं। Okay. एक बार practice नहीं, कितनी बार practice करने बोला है मैंने? तीन और चार बार में सिर्फ लिखना आता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं आता।
जब भी आप लोगों को लगे ना फुलफिल हो या फिर अब मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो अब आप लोग टाइम को जरूर देखना कि कितने टाइम में एक डेरिवेशन को आप लोग लिख पा रहे हो, कब आपको टाइम पे प्रैक्टिस करना होगा, मतलब डेरिवेशन लिखने के टाइम पे आपको सोचना ना पड़े, डेरिवेशन का क्वेश्चन दिखा फटाफट हम लोग लिखना शुरू कर दिए, इस हिसाब से प्रैक्टिस होती है, तभी एग्जाम को आप लोग 15 मिनट पहले खत्म कर पाओगे, और 15 मिनट पहले खत्म करने के बाद वापस चैप्टर पूरे के पूरे पेपर को आपको रिवाइज करना है। याद रखना समटाइम लिखने के टाइम पे क्या होता है कि चीजें दिमाग में ही रह जाती है, हमें लग रहा है कि हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं बट काफी सारी चीजें हमारे दिमाग में ही रह गई और हम लोगों ने लिखा नहीं, तो इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपके मार्क्स कट जाते हैं आपको आते हुए भी, तो एक बार स्टेटमेंट को रीड जरूर करना, डेरिवेशंस को चेक जरूर करना, बहुत सारी मिस्टेक्स दिखाई देती है, इसलिए 15 मिनट पहले खत्म करना इम्पोर्टेंट होता है ताकि पूरे के पूरे पेपर को आप सही तरीके से चेक कर सको, समझे? यस सर। तो हो सके तो स्टडी स्टार्ट कर दो, और गाइस अभी एक न्यूज सुनने में आ रही है कि वर्षाताई गायकवाड़ ने मतलब बोला हुआ है कि मई तक लेके जाएंगे, बट इसमें आप लोग ये बात को सच नहीं मान लेना क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और इतना डिले नहीं किया जा सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। सर दिल्ली में कर दिया मैं को, मैं में होएगा 50% रिड्यूस भी किया लोगों का पोर्शन। हाँ तो आप लोगों का भी रिड्यूस किया है ना 25%, रिड्यूस तो आपका भी सिलेबस है। सर पेपर भी मैं में होगा, दिल्ली वालों को बोला है। देखो अभी कोई भी बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, अगर हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो आपको अभी से ही स्टडी करते रहना है, समझ रहे? यस सर। देखो एक महीना 23 नवंबर से स्कूल खुलने के लिए बोल रहे हैं उस। हाँ सर 23 नवंबर से। यस सर आफ्टर दिवाली कॉलेज से भी सर नोटिस आया है। सर आंध्र में खुला था, बहुत सारे कोविड केसेस आए 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। देखो 9th से 12th स्टैंडर्ड तक ही खोलेंगे, 8th स्टैंडर्ड तक के स्कूल इस साल नहीं खुलेंगे। हमारे यहाँ सर स्कूल ओपन भी हो गए। कौन से, कौन सा स्कूल ओपन हो गया आपके यहाँ? सनातन वो गांव में। गांव में? यस सर। कौन से मतलब यूपी साइड में तो खुल गया है ना सब कुछ? यस सर उधर पे 9 टू 12 तक का स्कूल स्टार्ट हो गया है। हाँ मतलब 9 टू 12 यहाँ पे भी स्टार्ट होगा आफ्टर दिवाली, क्योंकि अभी वैकेशन आने वाला है तो अभी खोल के कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब आफ्टर दिवाली प्लानिंग है और कंफर्मेशन के भी हैं चांसेस कि मतलब खोलना ही है एनी हाउ, क्योंकि वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बड़े स्टूडेंट हैं, उनको समझ नहीं है, अगर आपको 10th सही से करना है तो आपको 9th समझ नहीं होगा, और अगर आपको 12th करना है तो आपको 11th सही से समझना होगा, और 11th के तो अभी तक एडमिशंस तक नहीं हुए, रुके हुए हैं एडमिशंस। यस सर। मतलब ठीक है, अब क्या बोले गवर्नमेंट को सर, लेकिन आप लोग इंडिया में हो तो इतना फ्री क्लासेस निकाला है नवंबर 2nd से FYJC के लिए। ओके यस सर। जो भी वो अभी तक रोक के रखे हैं कोई मतलब नहीं होता ना, मतलब अगर कॉलेजेस क्या करेगा, कॉलेजेस सिर्फ ये करेगा कि भाई अपना कोटा कंप्लीट करना है, उसको एग्जाम लेना है, वो पढ़ाए नहीं पढ़ाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टूडेंट्स के करियर पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, समझेंगे क्या, खाली एग्जाम दोगे क्या? समझना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है? यस सर। ठीक है जो भी है, आप लोग अपना टाइम जरूर यूज करो, अच्छा टाइम मिला हुआ है उसको प्रैक्टिस करते रहो। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके गाइस देन वी स्टॉप हियर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैम स्टॉप द लेक्चर। You may go now, everyone. If you wanted to go, then go. Okay, sir. Okay, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Ma'am, lecture stop kar sakte hain. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am.